आपको एक खबर बता दूं जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक लोकल लेवल जो है जो कि अभी काफी ज्यादा इंजर्ड जो है वो हो चुका है। फिलहाल पूरी खबर क्या है मैं आपको विस्तार से जो है मैं बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कुछ दिन पहले जो है गांधरबल के इलाके में एक अटैक देखने को मिला था जिसमें 7 लोगों की जान जो है वो चली गई थी और बाकी अन्य जो है वो घायल थे। वही आपको बता दें कि एक टेररिस्ट अटैक जो है यानी हमला जो है वो वहां पर देखने को मिला था। और आप जानते हैं कि वो दिन वो जिसमें मासूम लोगों की जाने गई है वो कोई भी बुला नहीं सकता है। और वही अगर हम बात करें तो एक और मामला निकल कर सामने आया जिसमें एक लोकल मजदूर यानी लेबर की लेबर जो है वो अभी काफी ज्यादा जख्मी जो है वो बताया जा रहा है। और कहा ये जा रहा है कि अभी तक ये बताया जा रहा है कि शायद से जो है वो एक टेररिस्ट अटैक जो है वो हुआ है, पर अभी तक इस बात की पुष्टि जो है वो नहीं की जा रही है। पर बताया ये जा रहा है कि शायद से जो है सोर्सों के मुताबिक ये बताया जा रहा है, पर पुलिस ने जो है वो अभी तक इस बात की पुष्टि जो है वो नहीं की है कि यह टेरर अटैक है या फिर ऐसे है। फिलहाल मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बता दूं। शुभम कुमार जो की रहने वाला जो है वो त्राल में जो है अभी काम कर रहा था, रहने वाला जो है वो उत्तर प्रदेश का था। वही आपको बता दूं कि एक गन शॉट जो है इंजरी से आई उसकी बाजू पे और इसी बीच उसे जल्द से जल्द जो है वो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जो है वो लिया गया। क्योंकि आप जानते हैं तीसरा अटैक जो है वो नॉन लोकल लेबर्स पर जो है वो किया गया इन वीक में। और वही अगर हम बात करें 6 नॉन लोकल लेबर और साथ एक डॉक्टर जो है उसकी मृत्यु भी जो है वो हो गई थी। आप जानते हैं गांधरबल के इलाके में पहले जो है आप जानते हैं कि ये मामला देखने को मिला था। और अब फिर से जो है आपको बता दें कि एक नॉन लोकल लेबर जिसका नाम मैं आपको बता दूं शुभम कुमार उसका नाम था, काफी ज्यादा गंभीर रूप में जो है वो अभी जख्मी है। और कहीं ना कहीं सोर्सों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये भी जो है वो एक हमला है, पर अभी तक पुलिस ने जो है वो इसकी पुष्टि नहीं की है कि ये टेरर अटैक है या फिर कोई हमला ऐसे आमतौर पर हमला है। फिलहाल जैसे ही इस चीज की पुष्टि मिलती है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। पर आप देखिए कि आए दिन जो है वो हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं और एक वीक में जो है वो 3 हमले जो है वो अभी तक देखने को मिले। फिलहाल अगर हम बात करें तो आप दुआ कीजिए कि वो जो लोकल है अब देखिए कि दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं ताकि हम दिन में काम कर सकें या रात में काम कर सके, ताकि हमें 2 वक्त की रोटी जो है वो मिल सके, ताकि हम अपने परिवार वालों को जो है वो रोटी खिला सके, हमारा पेट जो है वो भूखा ना रह सके। और देखिए कि उनके साथ ही कितनी बेरहमी से जो है वो जेल मॉडल किया जा रहा है। फिलहाल आप लोग अपनी राय को जरूर करें, ऐसे वीडियोज के लिए ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहो न्यूज़ 9 के साथ।